तो दोस्तों 2020 में जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे थे उसमें सब में ईयरफोन्स नहीं आ रहे थे। उससे पहले के फोन्स में आते थे, कुछ कंपनी धीरे धीरे करके बंद कर दिए हैं। एक्चुअल में ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे का क्या बड़ा रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि 2021 में जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके साथ में ईयरफोन आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखते हैं मैं पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आओ कुछ ना सीखें। दोस्तों जो भी वीडियो को देख रहा है वीडियो को कर दो लाइक और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि 2019 में ईयरफोन्स आना बंद हो गए थे सभी स्मार्टफोन के साथ में, लेकिन जैसे 2020 आया वहां पर अगर बात करें तो सारी कंपनीज ने अपने जो ईयरफोन्स हैं वो बंद कर दिए हैं। मतलब कोई भी स्मार्टफोन अगर आप ले रहे हैं तो वो खाली स्मार्टफोन और चार्जर ही मिलेगा। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि ईयरफोन्स की कीमत जो होती है, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी हो, चाहे आप MI का फ़ोन ले लो, चाहे सैमसंग का ले लो और उसके बाद में कोई सी भी ब्रांड ले लो, सस्ती से सस्ती ब्रांड्स भी ले लें अगर हम, तो उसमें क्या है, ईयरफोन पहले आया करते थे लेकिन अब उसके ईयरफोन्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ईयरफोन बनाने में सबसे मिनिमम मैं कॉस्ट अगर बताऊं वो 600-700 से ऊपर ही जाती है। ये भी मैंने बहुत रियर कॉस्ट मैंने बताया, बहुत कम की कॉस्ट मैंने बताया, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहे वो सैमसंग हो, MI, नोकिया, LG, XYZ कोई भी कंपनीज हो, वो नहीं चाहेगी कि अपने ईयरफोन्स को काफ़ी घटिया क्वालिटी में उठाए। यानी कि जो मार्केट में मिलते हैं ना 10-20-50 रुपए के, 100 रुपए के, 150 रुपए के, ऐसे ईयरफोन्स वो नहीं दे सकती क्योंकि उससे उस कंपनी की जो उसकी इमेज है उस पर फर्क आएगा। तो वहां पर क्या है, ईयरफोन्स बनाने में लगभग 1000 से 2000 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती थी। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये हो जाता है कि अगर कोई सा भी स्मार्टफोन है, सपोज करते हैं यही स्मार्टफोन है, अभी 8000 रुपए का लॉन्च हुआ था, अगर इसके साथ में कंपनी ईयरफोन देती तो यहाँ पर 1500 लगा के और 2000 रुपये लगा के तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती। अभी क्या है, नज़रों में हो जाता कि ये फ़ोन तो सच में महंगा है। यहाँ पर ये जो मिथ है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको भी बोलते हैं बिजनेस, कि क्या करा गया है अपने फ़ोन की कॉस्ट को कम दिखाने के लिए। फ़ोन की कॉस्ट कम दिखेगी और आपको क्या लेना है, आपको तो सिर्फ स्मार्टफोन लेना है ना, तो आप देखते हैं ये फ़ोन इतने का रहा है, ये फ़ोन इतने का रहा है, तो वहाँ पर आप कॉस्टिंग देखते हैं फ़ोन की। अब वो कॉस्टिंग अगर कम हो जाएगी तो वहां पर आप ईयरफोन नहीं देख रहे कि चलो हटाओ ईयरफोन की तो बहुत से लोगों को जरूरत नहीं पड़ती और वैसे भी हमें यार ब्लूटूथ वाला यूज करना है या फिर XYZ कोई भी यूज कर लेंगे बट हमें फोन अच्छा मिलना चाहिए। यहां पर कॉस्टिंग आपको 1.5 से 2000 रुपए वो फोन जो है वो कम कीमत में मिल रहा है, यानी कि आपको कॉस्ट उसकी कम लग रही है। स्टार्टिंग में कुछ ही कंपनीज ने किया था लेकिन उसके बाद में देखते 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 और भी कंपनीज ने कर दिया क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया था। सपोज MI ने ये चीज की तो सैमसंग ने भी करनी पड़ी क्योंकि वही सारी चीजें MI लगभग 6000 रुपए में दे रहा है, सैमसंग वही चीजें आपको 8000 रुपए में दे रहा है। वहां पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली रियल नहीं बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 6000 रुपए में MI दे रहा है वही चीज वो 8000 रुपए में दे रहा है लेकिन उसमें साथ में ईयरफोन है। अब क्या है, अब आप फोन कौन सा लोगे, मैक्सिमम लोग MI का लेंगे। क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी है यार, मतलब सैमसंग थोड़ा सा हैंग होने लगता है, डजंट मैटर, लेकिन वहां पर कॉस्टिंग की बात आती है कि वही सारे फीचर्स आपको 6000 रुपए मिल रहे हैं तो आप 8000 रुपए क्यों खर्च करोगे। वहां पर सारी कंपनीज ने अपनी कॉस्ट को वहां पर लाने के लिए कि हम भी कम करेंगे, हम भी कम करेंगे, कॉम्पिटिशन की वजह से क्या करा, सबने अपने ईयरफोन्स गायब कर दिए और कॉस्ट उसकी कम कर दी। लेकिन सभी कंपनीज ने साथ में ईयरफोन्स भी लॉन्च किए हुए हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही बिजनेस बनाया गया है कि कैसे लोगों के साथ में खेला जाए, ईयरफोन्स ना देके फोन की कॉस्ट को कम किया जाए। अब ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है मेरा, आपका या फिर सभी व्यूअर्स का कि 2021 में ईयरफोन्स आएंगे नहीं आएंगे। यार देखो आप भी बहुत समझदार हो, इस वीडियो को इतना देखने के बाद में आपको अच्छे समझ में आ गया क्योंकि मैं इजिली समझाता हूँ, समझ में आपके सबके आ जाता है और आप मेरी वीडियो को प्यार भी बहुत करते हैं, मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं। जो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक जरूर कर दो यार। वहां पर अब आप समझ गए होंगे कि 2021 में ईयरफोन्स आएंगे नहीं आएंगे, तो सिंपल सी बात है नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सारी कंपनी जो है वो, मतलब जो भी अपनी कॉस्ट बढ़ाता है तो अदर कंपनीज उससे जीत जाएंगी। तो कॉस्ट कोई नहीं बढ़ाना चाहता, कॉस्ट कमी करना चाहते हैं। अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे तो फोन की परफॉर्मेंस में बढ़ाएंगे, ईयरफोन उसमें नहीं जोड़ेंगे कि कॉस्ट बढ़ने पर और कंपनी उससे ऊपर चलेगी। तो अगले साल भी, मतलब जो ये वाला साल है 2021, इसमें भी ईयरफोन्स नहीं आएंगे।
तो जिसको भी ईयरफोन्स चाहिए, ब्लूटूथ वाले चाहिए, जो भी चाहिए, आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी दी गई इस जानकारी से आप खुश हुए होंगे। अगर खुश हुए हैं वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे साथ में घंटी का आइकन को जरूर दबाओ, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।